आज हम बात कर रहे हैं आरके नारायण जी द्वारा लिखी एक शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर डे। दोस्तों ये स्टोरी एक एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी की है। तो दोस्तों एक साधारण किसान था, उसने अपने गांव को छोड़ दिया था और वो ज्योतिषी बनना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अपना जीविका चलाने के लिए ज्योतिषी बनना पड़ा और वो ग्रहों से उतना ही अपरिचित था जितने कि उसके ग्राहक थे। और तो फिर वो दक्षिण चला गया था और लगभग 200 मील दूरी तय करने के बाद वहाँ पर एक नगर में बस गया था और फिर वहाँ पर अपना ज्योतिषी का काम उसने करना शुरू कर दिया था। और जो उसका व्यक्तित्व था दोस्तों बहुत ही आकर्षक था यानी अट्रैक्टिव था और वह अपने मस्तक पर पवित्र भस्म लगाता था और सिंदूर का टीका लगाता था और उसकी काली घनी गलमुच्छी थी जो उसके गालों तक छाई रहती थी, जिससे उसकी जो आंखें थी बहुत चमकदार दिखाई देती थी। और अपने व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाने के लिए वह अपने सिर पर केसरिया पगड़ी पहनता था। और उसका जो व्यक्तित्व था दोस्तों उसके जो काम था उसके अनुकूल था और लोग उसको उसकी तरफ मधुमक्खियों की भांति आकर्षित होते थे, यानी कि मधुमक्खी जिस तरह से फूलों को देखकर आकर्षित होती हैं उस तरह से लोग उसकी तरफ आकर्षित होते थे। जो ज्योतिषी था दोस्तों वो दोपहर को आता था और टाउन हॉल पार्क में इमली के पेड़ के नीचे बैठ जाता था और उसके पास एक थैला होता था दोस्तों जिसमें एक दर्जन कौड़ियाँ थी, एक चौकोर कपड़ा था और जिस पर कुछ रहस्यमय चित्र भी बने हुए थे और एक नोटबुक थी उसके पास और एक ताड़ के पत्तों पर लेखों का एक बंडल था उसके पास। तो टाउन पार्क जो है दोस्तों वहां से होकर एक रास्ता जाता था और इस रास्ते पर उमड़ती हुई भीड़ आती जाती रहती थी। वहाँ पर अपना सामान बेचने के लिए बहुत लोग उस रास्ते पे बैठा करते थे, जैसे कि दवा बेचने वाले थे और चुराए गए जो लोहे का सामान होता है और कबाड़ बेचने वाले थे, जादूगर था, सस्ता सामान बेचने वाले थे और भुनी हुई जो मूंगफली होती है उसे बेचने वाला भी वहाँ पर थे। लेकिन जिस पार्क में वो लोग बैठते थे उसमें नगर पालिका की कोई भी लाइट नहीं लगी थी, तो सब जितने भी बेचने वाले थे वो अपने अपनी लाइट लेके आते थे। तो कुछ लोगों के पास अपनी लाइट नहीं थी तो वो लोगों दूसरे लोगों की लाइट से काम चलाते थे। तो जो दोस्तों जो ज्योतिषी है उसके पास भी लाइट नहीं है तो वह एक मूंगफली वाला है, मूंगफली के ढेर पर वो लैंप रखता है, उसका जो लाइट है वो पड़ती है वहीं पर वो जाकर बैठ के अपना काम करता है। और दोस्तों वो लोगों को ऐसी बातें बताता था जो लोगों को सुनने में अच्छी लगती थी और लोग उसकी बातें सुन के आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो ये सब अपने अभ्यास और अध्ययन और अपने कुछ अनुमान के आधार पर बताता था और उसने मानव जाति के कष्टों पर काम चलाओ विश्लेषण भी कर लिया था। उसे पता था कि लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम ज्यादातर फेस होती हैं, जैसे कि वो जानता था कि विवाह और जो मनी से लेकर और रिलेशन से लेकर लोगों को लगभग प्रॉब्लम रहती है। तो वह किसी भी व्यक्ति की पहले हथेली को ध्यान से देखते हुए कहता था, तुम बहुत मेहनत तो कर रहे हो लेकिन तुम्हारी उसका फल तुम्हें नहीं मिल रहा है। और 10 में से जो 9 लोग थे दोस्तों उसकी बात सुनने के बाद सहमत हो जाते थे और वो कुछ इस तरह के भी प्रश्न पूछता था कि कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करती है। और वह ये भी पूछता था ज्यादातर लोगों से कि अधिकांश कष्ट तुम्हारे स्वभाव के कारण ही है और शनि तुम्हारी स्थिति पर अनुकूल नहीं है और तुम्हारा स्वभाव बहुत जल्दबाजी का है और तुम्हें देखने में तुम रूखे दिखते हो। इस तरह के सवाल वो लगभग पूछा करता था लोगों से। तो एक बार क्या हुआ कि मूंगफली वाला जो था वो अपने घर जाने लगा था तो वो अपनी लाइट बुझा लेता है, तो वो जो ज्योतिषी है वो भी अपने सारे सामान को बटोर कर रखने लगता है अपने थैले में और वहां से जाने के बारे में सोचने लगता है। तो वो देखता है कि वहां पर इसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो वो सोचने लगता है कि ये मेरा एक ग्राहक हो सकता है और यानी कि मेरा कस्टमर हो सकता है। तो वो उसे बुलाता है और कहता है कि आओ मेरे से थोड़ा सा बात करो, तुम बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। तो वो जो व्यक्ति होता है वो अपनी हथेली को उसके नाक में एक पास लाता है और कहता है कि तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो। तो ज्योतिषी जो रहता है वो कहता है कि हाँ मैं, वो कहता है कि मैं एक प्रश्न पूछने का 3 पाई लेता हूँ। तो इस पर जो व्यक्ति होता है वो एक आना फेंकते हुए कहता है कि मेरे कुछ क्वेश्चन हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या दे पाते हो उसका जवाब। अगर मुझे लगा कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो तो तुम उस आना का ब्याज सहित मुझे लौटाओगे। और तो ज्योतिषी भी कहता है अगर तुम मेरे उत्तर से सेटिस्फाइड हो गए
तो क्या तुम मुझे 5 रुपए दोगे? तो जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि नहीं। तो फिर एस्ट्रोलॉजर जो है यानी ज्योतिषी जो है वो कहता है कि यानी कि तुम मुझे 8 आने दोगे। तो फिर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो उसका दुगना तुम्हें देना पड़ेगा मुझे। तो अंत में समझौता हो जाता है उन लोगों के बीच और अजनबी बैठ जाता है। तो जो ज्योतिषी है वो जब उसने धुआं उड़ाते हुए सियार पिया तो ज्योतिषी को उसकी शक्ल दिखाई दी जाती है और व्यक्ति की, तो वह थोड़ा सा डर जाता है और फिर उसका जो रुपया होता है उसे लौटाते हुए कहता है कि मैं इस तरह की चुनौतियों को स्वीकार नहीं करता और मुझे देर भी हो रही है और आज मुझे घर जाने दो। जो व्यक्ति होता है दोस्तों वो उसकी कलाई को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि तुम नहीं जा सकते जब तक कि तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, और चुनौती तो चुनौती होती है। अब मुझे ये बताओ कि क्या जो मैं खोज रहा हूँ क्या मैं उसमें सफल हो पाऊंगा या नहीं, मुझे केवल ये बता दो और इसके बाद तुम जा सकते हो। तो जो ज्योतिषी होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, लेकिन क्या अगर मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा उसके बदले क्या तुम मुझे 1 रुपया दोगे? तो बहुत सौदेबाजी होती है। सौदेबाजी होने के बाद अजनबी जो होता है यानी जो व्यक्ति होता है वो मान जाता है, कहने लगता है ठीक है, अगर तुम्हारा संतोषजनक उत्तर रहा तो मैं तुम्हें 1 रुपया दे दूंगा। तो जो ज्योतिषी होता है दोस्तों वो अजनबी को फिर बताता है कि तुम्हें मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था और उसे चाकू से मारा गया था और उसे कुएं के पास ढकेल दिया गया था। तो यह सुनकर जो व्यक्ति होता है बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसे ज्योतिषी को ये सारी चीजें कैसे पता, और अपने चाकू के निशानों को दिखाता है और फिर कहता है कि मुझे एक राहगीर ने बचा लिया था। और फिर वो कहता है कि अच्छा बताओ कि मैं क्या उसे पकड़ पाऊंगा, उस व्यक्ति को, उसकी मैं खोज कर रहा हूँ। तो ज्योतिषी कहता है कि उसे तुम दूसरी दुनिया में पकड़ पाओगे क्योंकि वह बहुत दूर एक नगर में 4 महीने पहले ही लॉरी के नीचे आके कुचल कर मर चुका है। तो जो व्यक्ति होता है कि वो थोड़ा सा खुशी होता है कि चलो उसकी मृत्यु हो चुकी है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक, तो वो कहता है कि तुम मेरा नाम भी जानते हो, तो जैसे मैं अन्य सभी चीजें जानता हूँ ये सारे तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। तो ज्योतिषी कहता है कि उसे सलाह देता है कि तुम अपने गांव वापस लौट जाओ क्योंकि वह उसके जीवन को खतरे में देख रहा है। और वो कहता है कि अपने माथे पर ये भस्म लगा लो और वह दक्षिण की दिशा की ओर कभी भी यात्रा ना करे क्योंकि इस दिशा में उसको जान को खतरा है। तो व्यक्ति उसे उसकी बातों से संतुष्ट होकर अपनी मुट्ठी भर सिक्के को देता है और वहां से चला जाता है। तो ज्योतिषी जो अपने सामान को समेट कर अपने घर की ओर जब जाता है तो उसकी पत्नी पूछने लगती है कि आज इतने लेट कैसे हो गए तुम? तो वो बताता है, वह अपने पत्नी को सिक्कों को देता है और कहता है कि इनको गिनो। तो उसकी पत्नी उनको गिनती है, तो उसकी पत्नी सिक्कों के गिनकर बताती है कि ये 12 आने हैं। तो इस पर जो ज्योतिषी होता है वो उस व्यक्ति को बेईमान करके कोसने लगता है और कहता है कि उसने मुझे 1 रुपये देने को कहा था। तो फिर वो लोग खाना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जब सोने के लिए जाते हैं तो वो अपनी पत्नी से कहता है ज्योतिषी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। तो वो उसकी पत्नी कहती है कि क्या कारण है खुशी का? तो वह अपनी पत्नी को बताता है कि जब वो एक नव युवक था, मतलब युवा अवस्था में था, तो वह उसने एक दिन बहुत शराब पी ली थी और जुआ खेला था और बुरी तरह से झगड़ा किया था और उसने एक व्यक्ति को मारने की कोशिश करी थी, मार दिया था। लेकिन आज उसे पता चला कि वह व्यक्ति जिंदा है और वह व्यक्ति का नाम गुरु नायक और वह व्यक्ति आज जिंदा है। तो मैं हमेशा से यही सोचता था कि मैं एक हत्यारा हूँ और मैंने एक व्यक्ति की हत्या करी है, लेकिन आज मैं बहुत खुशी हूँ कि मैं एक हत्यारा नहीं हूँ, वह व्यक्ति जिंदा है। दोस्तों यह वह व्यक्ति वही गुरु नायक वहां पर उसे मिला था एस्ट्रोलॉजर से। और फिर वो कहता है कि अब इसके बारे में क्या सोचना, चलो सोते हैं।